सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज ही के दिन हमारा देश का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। 1949 में 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पूरा हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान के मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में उनके निर्देशानुसार भारत का संविधान लिखा गया है। अब सबके सब एक ऐसे भारत में है जहां हम अपनी जीवन जी सकते हैं। 1947 के पहले यह भारत एक ऐसे भारत था जहां लोग जैसे अपना जिंदगी जीना चाहे नहीं जी सकते थे, दूसरे के गुलामी में जीवन जिया करते थे। अंग्रेजों के गुलाम में थे भारत देश और भारत देश का हर नागरिक, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में है हम सब, इसलिए सौभाग्यशाली है। एक ऐसा देश, इसी देश में बुद्ध, कबीर, ईसा, मोहम्मद, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस भारत देश में जन्म लिए, इसलिए इस भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। धन्य है सभी भारत के नागरिक ऐसा देश में जन्म लिए जहां जिस देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज पहले लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की गुलामी में जीवन जिया करते थे, और आज खुद सबके सब गुलाम होने के लिए तैयार हो गए हैं। भारत तो स्वतंत्र हो चुका है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। हमने खुद गुलामी का जीवन जीना मंजूर किया है, मंजूर किए हैं, इसलिए हम गुलामी जीवन जी रहे हैं, आज भी गुलामी जीवन जी रहे हैं। भारत के 95% लोग भारत में गुलामी जीवन जी रहे हैं। गुलामी जीवन स्वीकार कर चुके हैं, जिसे महापुरुषों ने, योद्धाओं ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने बड़ी वीरता के साथ, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने बड़ी वीरता के साथ इस भारत को स्वतंत्र कराने में मेहनत किया। ना जाने कितने लोगों के लाशें गिरी और कितने लोग बलिदान दे दिए। हम सब उसी देश में जी रहे हैं स्वतंत्र जीवन, लेकिन गुलामी का जीवन जी रहे हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि इसी भारत में बुद्ध हुए, कबीर हुए, सुन करके आश्चर्य होता है, जहां लोग आज भी गुलामी का जीवन स्वीकार कर रहे हैं। आज भी तू तू मैं का व्यवहार होता है, ऊंचा नीचा का व्यवहार होता है, छोटा बड़ा का होता है, जाति पाति का व्यवहार होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो संविधान नहीं लिखा है, लेकिन वो चीज आज भी लागू हो रहा है। मैं बड़ा तू छोटा आज भी ये चल रहा है, और हमारी सरकारें इस चीज के लिए काम कर रही है। लोगों को कमजोर बना रही है हमारी सरकार। ये हमारा विषय नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लोगों को कमजोर बनाती है। चाहे कोई भी सरकार बैठा हो, सब सरकार ने अपने वोट के बल पर लोगों को कमजोर बनाने का प्रयास किया। फ्री में राशन देना, फ्री में गाड़ी देना, मोटर देना, साइकिल देना, लैपटॉप देना, मोबाइल देना, ये ना जाने फ्री में क्या क्या देते हैं, और कुछ लोगों को लाभ मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, और लोगों को निकम्मा बनाते चले जाते हैं हमारे सरकार। आइए, मेरा आज खास विषय है कि आज भी हम गुलामी का जीवन क्यों जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं गुलामी का जीवन।
एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद भी गुलामी का जीवन हमने स्वीकार किया है। और गुलामी का जीवन कैसे जी रहे हैं, गुलामों को, जिन्होंने हमको गुलाम किया था उनको तो भगा दिए भारतीयों ने, लेकिन उन्हीं के देन को, उन्हीं के जो जैसे वो लोग जीते हैं उसको आज हम स्वीकार करते हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब क्या है, उन्हीं का देन है। ऐसे कपड़ा पहनना, संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं हम, भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कपड़ा पहनना जैसे हम परिवार में आज से 50 साल पहले वो कपड़े नहीं पहने जा सकते थे, 20 साल पहले वो कपड़े नहीं पहने जा सकते थे, आज ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो गुलाम नहीं है। आज भी हम अंग्रेज तो बने हैं, वस्त्र से अंग्रेज बने हैं। आज शुरू हो चुका है, हर हर घर में बर्थडे मनाया जा रहा है। अब बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं और केक को काटते हैं, बढ़िया है, खिलाते हैं, लेकिन केक को पूरा शरीर में पोत देते हैं, पूरा मुंह पर पोत देते हैं। क्या यही भारतीय संस्कृति है हमारी? आत्मीय बंधुओं, आप सबसे निवेदन है कि हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपनी इज्जत मर्यादा और आबरू को अपने बचाए रखे, अपनी इज्जत और मर्यादा आबरू को बेच मत दे हम बाजारों में। एक सभ्य घर के लोग कहलाते हैं, कबीरपंथी घर के लोग कहलाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे माँ बाप है जो अपने ही बच्चे को विदेशी बनाने में लगे हुए हैं, अपने ही बच्चे को, दुख इस बात की है। ऐसे ऐसे कपड़े पहनाते हैं जैसे कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए। एक लड़की है, लड़की की मर्यादा लड़की की तरह होनी चाहिए। एक लड़का है, लड़का को आप उतने ही इज्जत, उतना ही सम्मान दो, उतना ही प्रेम करो जिससे उनका रोब अहंकार ना बढ़ते चला जाए। आप उनको हर चीज दे देते हैं, हर चीज देते हैं, अपने बच्चे को हर चीज देते हैं, गाड़ी कहते हैं गाड़ी देते हैं, मोबाइल कहते हैं मोबाइल देते हैं, कार कहते हैं कार देते हैं, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन एक चीज आप देना भूल जाते हैं, वो है संस्कार देना भूल जाते हैं, संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चे को आप गाड़ी नहीं देते, मोटर नहीं देते, कार नहीं देते तो बच्चे कुछ देर रोएंगे, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिया आपने बच्चों को तो आपके बच्चे जीवन भर रोएंगे, जीवन भर रोएंगे। आप रुला रहे हैं, वो रोएंगे और आपको रुलाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं मैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उच्च संस्कार दीजिए, गुलामी का जीवन मत दीजिए आप। छोटे छोटे चीजों का गुलाम होता है, कोई बीड़ी का गुलाम है, कोई सिगरेट का गुलाम है, कोई शराब का गुलाम है, कोई अभद्र चीजों को देखने का गुलाम है, कोई कुछ मांस खाने का गुलामी कर रहा है, कोई ताश खेलने का गुलामी कर रहा है, कोई गाली गलौज निंदा करने का गुलामी कर रहा है। हर व्यक्ति तो गुलाम है, आज हर व्यक्ति गुलाम है। आज क्यों गुलामी की जिंदगी जीते हैं हम, क्यों एक बेहतरीन जिंदगी का शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आज ही हम सब अपना अपना संविधान लिख ले, आज हमको फिर से अवसर मिला है, भारत का संविधान नेताओं ने लिखा, आज अपना संविधान लिख ले हम, आज अपना संविधान लिख ले, अपनी सभ्यता को ना भूले, अपने घर के मर्यादाओं को बनाए रखे, अपनी इज्जत और आबरू को बनाए रखे, अपने महापुरुषों की सम्मान को बनाए रखे, महापुरुषों के देन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इससे बड़े और क्या हो सकता है? यही संविधान है हमारा, कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है, यही संविधान है। ये सदगुरु कबीर ने इस चीज को बहुत पहले कहा, और सदगुरु कबीर के अनुसार से भीमराव अंबेडकर ने उनके अनुसार से बहुत सारी चीज लिखा। छुआछूत सदगुरु कबीर नहीं माने, उन बातों को संविधान में साफ लिखा गया है, लेकिन आज भी वो चीज हो रहा है। आज भी उसके आधार पर नौकरियां दी जाती है, आज भी अलग अलग ग्रेड में आज भी बांटा जा रहा है। क्यों आदमी अपनी मानसिक गुलामी में बढ़ता चला जा रहा है, भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं और ना जाने क्या क्या करते चले जाते हैं। ये मानसिक गुलामी, सबसे बड़ी मानसिक गुलामी। और बाहरी गुलामी से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, बाहरी गुलामी से आप लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, आपके साथ कोई द्रोह कर रहे हैं तो आप लड़ाई कर सकते हैं, द्रोह कर सकते हैं, आपके सामने कोई युद्ध करने के लिए तैयार है आप युद्ध में जीत हो सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी में
आपको खुद करना होगा। बाहरी गुलामी में बाहरी स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोग आपका सहयोग कर देंगे, लेकिन मानसिक गुलामी में कोई सहयोग नहीं कर सकते। आपको अपना संविधान खुद लिखना होगा, खुद अपना संविधान लिखना होगा। कोई साथ देने वाले नहीं है। किस चीज का अहंकार करते हैं हम? आज जिन महापुरुषों को आज हम कह रहे हैं, जिन नेताओं के आज नाम लिए जा रहे हैं, सब मिट्टी में दफन हो गए, कल हम भी दफन हो जाएंगे। भाई साहब आज मिट्टी के बाहर है तो कल मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, किस बात का गुमान है, किस बात का गुमान है? दो वक्त की जिंदगी मिली है, प्रेम से उत्साह से जी लीजिए, परिवार वालों के साथ हंस के मुस्कुरा करके जी लीजिए। कितना द्वेष, कितना वैर। भगवान बुद्ध कहा करते थे, भगवान बुद्ध ने कहा है, जिसके जितने प्रेमी उसके उतने दुश्मनी, जिसके जितने वैरी उसके उतने मोह भी है। आप जितना ही लोगों से द्रोह करते हैं, उतना ही अपने लिए ही खाई खोदते चले जाते हैं। गुरुदेव जी ने एक बार कहा, विशाल देव से पूछे तो विशाल देव ने कहा गुरुदेव जी को, राग द्वेष का बाप होए, राग द्वेष का बाप होए। ये मतलब यह है कि द्वेष से बढ़कर के राग, और आज के राग इतना बढ़ता चला जा रहा है, आज के आबू हवा में राग इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आदमी अपने संस्कृति को भूलता चला जा रहा है। नौजवान साथियों से, नौजवान बहनों से निवेदन करता हूं मैं कि अपनी इज्जत और आबरू, अपने घर की परंपराओं को, अपने घर के शिष्टाचार को, अपने भारतीय संस्कृति को ना भटकने दे, ना बर्बाद होने दे, अपने जीवन को तबाह मत होने दीजिए आप सब। अपने जीवन का निर्माण करिए आप। क्यों सर झुका करके जीने की हिम्मत करते हैं आप? सर उठा करके जीने की हिम्मत रखिए। क्यों अपनी ही इज्जत को आप बेच करके सर झुकाते हैं आप? गलत कर्म करते हैं आप और सर झुका करके जीते हैं, क्यों? बादशाहत की जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं? मैंने बीच में कहा, एक छोटी सी जिंदगी है, प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी जिंदगी है, उसको आपस में प्रेम से जिए आप सब। घर में जितने सदस्य हैं उनके साथ प्रेम की जिंदगी जीजिए। धन और दौलत संपत्ति के लिए लड़ाई मत करिए। कब तक ये संपत्ति काम आएंगे? इस दुनिया से चले जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ बेकार चला जाएगा। आप इमारत के ऊपर इमारत बनाते चले जाए, गाड़ियां खरीदते चले जाए, मकान बनाते चले जाए, बंगले खरीदते चले जाए, धन इकट्ठा करते चले जाए, लेकिन इस दुनिया से जाएंगे तो आपके साथ में कौन जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। आपके साथ में जाएगा तो आपका अच्छा संस्कार। सदगुरु कबीर कहते हैं, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। माया, माया का अर्थ क्या होता है? जो भी दृश्य दिखाई देता है वो सारी चीज माया है। दिखाई देने वाले दृष्टि में जो कुछ भी आ रहा है सब माया है, सब कुछ माया है। प्राणी पदार्थ सब माया है, धन दौलत सब माया है। ये जीवन निर्वाह का साधन है। इसके साथ राग करने से राग बढ़ता चला जाएगा, आप अपना मूल्य नहीं आ पाएंगे, अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हुए भी परतंत्र जीवन जीते हैं, परतंत्र जीवन जीते हैं। आज भी एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद भी ना जाने कितने लोगों के मानसिकता में, मानसिक गुलामी मानसिकता में बसा हुआ है। टूनी, जादू, प्रेत, भूत, तंत्र मंत्र, लगान, मूर्त, ये ना जाने कितने गुलामी जी रहे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं। मुझे भगवान से साक्षात्कार हो चुका है, आप भी कर लीजिए, और हर व्यक्ति कर सकते हैं। असली भगवान है हमारे संत गुरुजन, असली भगवान है घर के सदस्य, असली भगवान है परिवार के सदस्य, वही, उन्हीं से साक्षात्कार करिए, और कौन भगवान आएंगे? पूरे विश्व कोरोना महामारी से तबाही से तबाह हो रहा था, तबाही मची हुई थी पूरे विश्व में, कोई भगवान काम नहीं आया। इतना भी विश्वास नहीं होता है भगवान के भरोसे बैठे हैं,
अपना संविधान लिखिए आज, मुझे नए जीवन की शुरुआत करना है, मुझे एक बेहतरीन जीवन जीना है, डर और भय रहित जीवन। डर और भय, कहीं भी डर और भय है मतलब हम गलत कर रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं, इतना ही गलत और सही का मतलब है। कहीं भी डर और भय है मतलब गलत कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले डर लग रहा है या भय लग रहा है मतलब गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत मत करें, डरिए मत। आप वो काम करिए जिससे डर मत हो, डर हो वो काम करिए जिससे डर पैदा हो, डर पैदा हो ऐसा काम ही मत करिए। आप सुंदर जीवन का निर्माण करिए। बहुत सुंदर अवसर मिला है आज हम सबको, बहुत से दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटियां नहीं मिलती है, दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग, आप अपने समय को व्यर्थ बर्बाद होने मत दीजिए। कुछ लोग बिस्तर से उठते हैं तो पेट के लिए घूमते हैं और कुछ लोग पेटी के लिए, बिस्तर से उठते ही कुछ लोग पेट में कुछ अन्न डालने के लिए कुछ कमाते हैं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग पेट भोजन पचाने के लिए। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटियां मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, रहने के लिए मकान है आपके हाथ में, और क्या चाहिए। बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। आदमी बंधुओं, आज ही आज कलम और कागज ले लीजिए और अपना संविधान लिखिए आप, मुझे अब डर और भय रहित जीवन जीना है, मुझे गुलामी रहित जीवन जीना है, मुझे शिकायत भरी जिंदगी नहीं जीना है। अब मुझे किसी के पीछे मत पड़े रहो, कोई साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देंगे। आपका स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, जीवन अच्छा है तो सारे लोग साथ देंगे। यदि आप कहीं गड़बड़ किए, कहीं गड़बड़ हुआ, थोड़ी सी भी चूक हुई मतलब सब किनारे चले जाएंगे, सब किनारे चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, बीच मझधार में छोड़ देंगे, बीच मझधार में फिर डूबना ही है और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी नैया पार लगाइए, संतों के सानिध्य लेकर के, अच्छे महापुरुषों का सानिध्य लेकर के, सद्गुरु कबीर जैसे विशाल हृदय रखने वाले महान संतों के विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए आप, जिन्होंने भारत के संविधान लिखने से पहले सब कुछ बोल दिए। भारत के संविधान जब लिखा गया 1949 में, उसके पहले उन्होंने सब कुछ कह दिए अपने, उसके पहले ऐसे महापुरुष। और उन बातों को आज कबीर पंथ में जितना व्यापक रूप से और सही सही परख करके बताने वाला एक सद्गुरु कबीर के बाद में दूसरा सद्गुरु कबीर के बाद में कबीर हुए सद्गुरु से अभिलाष साहेब जी, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सद्गुरु कबीर के बातों को आम जनता के बीच में रखा, भ्रांतियां नहीं रखी उन्होंने। भ्रांति वो लोग रखते हैं जिसको मान और सम्मान चाहिए, जिनको पूजापा चाहिए, वो लोग भ्रांतियां रखते हैं, कहीं पर्दा रखते हैं, लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने कोई पर्दा नहीं रखा, कोई पर्दा नहीं रखा। इसलिए एक अच्छे जीवन जियो, इसलिए एक अच्छे जीवन जिए। और उन्होंने अपना जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए। ऐसे महापुरुषों के विचारों को आप सुने तब हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक कहला सकते हैं, नहीं तो आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। आज भी मत बनिए गुलाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस के लिए यही संदेश है कि आप सबके सब अपना संविधान लिखना शुरू कर दीजिए।
आप कैसे लिखना चाहते हैं, अपने जीवन को कैसा चाहते हैं, वैसा आज लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं, वैसा आज से लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे कैसे जीवन प्रिय है, वही जीवन मुझे जीना है। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।